सोलन शहर में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। आए दिन शहर में करीबन 100 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ती दिख रही हैं। रोगी बढ़ते जा रहे हैं, यही वजह है कि जिला प्रशासन बेहद चिंतित दिख रहा है। जहां भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, उस भवन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदला जा रहा है। उस भवन में किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। खाने पीने का सामान उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी SDM सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। अधिक जानकारी देते हुए SDM सोलन अजय यादव ने बताया कि कोरोना जिला में तेजी से फैलता जा रहा है। जिस घर में 4 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उसे मिनी कंटेनमेंट जोन में बदला जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन शहर में पहले 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन थे, पिछले कल 2 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थियों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इतने अधिक मामले शहर में आने के बावजूद भी लोग अधिक संख्या में बाजारों में आ रहे हैं और नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कई स्थानों से रिटायरमेंट पार्टीज की भी खबर मिल रही है। इसलिए वह लोगों से आग्रह करते हैं कि वह इस तरह नियम तोड़कर कोरोना को निमंत्रण ना दें। फिलहाल अभी सोलन सब डिवीजन में टोटल 5 कंटेनमेंट जोन है और 2 इंस्टीट्यूशन में आइसोलेशन ब्लॉक बनाया गया है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उनके इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा ब्लॉक आइसोलेटेड जहाँ लोग जाते ना हो, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा शहर में 5 जगह, जैसा कि आपको पता है, 3 हमने पहले बनाए थे, कल 2 हमने बनाए, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स और 104 सर्विस जो दियू घाट में है। तो अभी फिलहाल टोटल हमारे पास 7 आइसोलेशन जोन है और जहाँ पे भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, हम वहाँ पे आइसोलेशन बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ में नोटिसेस भी लगा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर से लोगों से आग्रह करूँगा कि अति आवश्यक कार्य होने पे ही बाहर आए मार्केट में, क्योंकि आप भी देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से सोलन में जो है, सोलन सब डिवीजन की बात करें तो 100 से ऊपर केसेस आ रहे हैं और ये अभी आगे और फैलने की संभावना है। और आपके माध्यम से मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जिनको भी शादी की परमिशन मिल चुकी है या मिलेगी, उसकी लिमिटेशन 20 है। 20 ऐसा नहीं कि वो बैचेज में आएंगे, एक बार आ गए फिर 20 मतलब 20, एक बार में जो आ गया वही काउंट होगा। इसके अलावा धाम में पूरी तरीके से प्रतिबंध है, तो किसी भी तरीके का धाम नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं उन सारे सरकारी मुलाजिमों से अनुरोध करूंगा जो रिटायर्ड हो रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट पार्टी बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहे हैं और ऐसा लोग बोले कि पिक अभी आया नहीं, पिक आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जब ये दौर थम जाएगा उसके बाद अपने लोगों के साथ रिटायरमेंट या जो भी पार्टी करनी कर सकते, फिलहाल अभी ना करें।